वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा वर्मा। मुगल खानदान की बहू हूं, मेरा हक मुझे दो। अब अगर कोई महिला ये कहे कि लाल किला मेरा है तो आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन हम आपको ये कहें कि ये सच है, क्योंकि उस महिला ने मामला दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया था। मामला अजीबोगरीब बेशक है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने सबके होश उड़ा के रख दिए। दरअसल महिला ने ऐतिहासिक लाल किले पर कानूनी हक होने का दावा किया है। सोमवार को महिला ने लाल किले पर मालिकाना हक जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद महिला ने खुद को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पड़पौत्र की विधवा बताया। साथ ही ये अपील भी की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के प्रपौत्र की विधवा हैं, इसीलिए वे परिवार की कानूनी वारिस होने के नाते लाल किला पर अपना मालिकाना हक रखती हैं। महिला के अनुसार वे बहादुर शाह जफर के पड़पौत्र मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त की पत्नी हैं, जिनका 22 मई 1980 को निधन हो गया था। मुगल शासक ने मनमाने तरीके से जबरन उनके अधिकार छीन लिए थे और अब उन्हें लाल किला वापस दिया जाए। अब इस केस पर फैसला भी आ गया है, जिसमें रेखा पल्ली की एक पीठ ने इस याचिका को जड़ से खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 में आपके साथ अन्याय किया, फिर इसमें 150 वर्षों की देरी क्यों हुई? इतने सालों से आप कहाँ थी? पीठ ने कहा कि 150 से अधिक वर्षों के बाद कोर्ट का दरवाजा इस तरह खटकाने का कोई भी औचित्य नहीं है। लाल किले पर अपने मालिकाना हक के इस अजीबोगरीब मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी फिलहाल वीके न्यूज में इतना ही। आगे खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।